वेलकम बैक गाइस, मैं स्वाति एक बार फिर से आपके चैनल रेनबो के साथ। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय व्यूअर्स हु लव्ड माय लास्ट वीडियो विच वाज अराउंड हाउ टू मेक योर हेयर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट बाय फॉलोइंग मी मेरे 10 टिप्स एंड वन होम रेमेडी। दोस्तों मुझे आपसे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा अगर आप लोग मेरी बताई हुई होम रेमेडी को घर पर रेडी ना कर पाए या फिर आपके पास टाइम कम हो या फिर कहीं बाहर जाना हो तो कैसे इस रेमेडी को कंटिन्यू करें। तो गाइस आज हम आपको बताएंगे कि मार्केट में ऐसा कौन सा रिलायबल हर्बल प्रोडक्ट है जो रेडिली मिल जाता है और मेरी होम रेमेडी के एज अ सब्स्टिट्यूट भी यूज किया जाता है। फ्रेंड्स मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है और आप उनको वैसे ही यूज करेंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उन इंग्रेडिएंट को आपकी रॉ फॉर्म में ही यूज करना। फिर भी आप लोगों की डिमांड को देखते हुए आज आपको बताती हूँ कि मार्केट में ऐसा कौन सा सब्स्टिट्यूट है। और तो दोस्तों मैंने यहाँ ममाअर्थ का अनियन हेयर मास्क लिया है जो मेरे होम रेमेडी के एज अ सब्स्टिट्यूट भी वर्क करता है और हेयर फॉल को भी रोकता है। सो फ्रेंड्स इससे पहले कि हम बात करें कि इस मास्क को कैसे यूज करते हैं, सो इससे पहले हम एक स्क्रीन टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे बालों के लिए कितना सेफ है या नहीं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ एक सिंपल सा बट बहुत ही यूजफुल स्क्रीनिंग टेस्ट डिज़ाइन किया है जिसको मैं हेयर प्रोडक्ट को बाय करते समय हमेशा ध्यान रखती हूँ। ये स्क्रीनिंग टेस्ट आप किसी भी हेयर प्रोडक्ट की सेफ्टी जानने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये स्क्रीन टेस्ट हेयर प्रोडक्ट पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद बनाया है और आई हैव फाउंड इट एक्सट्रीमली यूजफुल। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस करूंगी कि आगे से हेयर प्रोडक्ट स्पेशली सो कॉल्ड हर्बल प्रोडक्ट बाय करते हुए आप भी इस टेस्ट का ध्यान रखें। फ्रेंड्स आप जब भी कोई केमिकल और हर्बल हेयर प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट को भी जरूर देखते होंगे। इस टेस्ट को रिमाइंड रखें और इंश्योर करें कि आपके प्रोडक्ट में ये सभी केमिकल ना हो। अब बात आती है कि अगर ये केमिकल बालों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम इनको हेयर प्रोडक्ट में क्यों यूज़ करते हैं और इनका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है हमारे बालों पर। सो गाइस मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो फर्स्ट टेस्ट यहाँ है फ्रेग्रेंस का। दोस्तों रिसर्च शो करती है कि कोई भी हेयर प्रोडक्ट बाय करने का सबसे बड़ा रीज़न बायर की फ्रेग्रेंस के लिए अट्रैक्टिवनेस होती है। इसलिए कंपनीज डिफरेंट तरह के केमिकल फ्रेग्रेंस को यूज़ करती है ताकि वो बायर को अट्रैक्ट कर पाए। बट ये केमिकल आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है और जो आपके हेयरफॉल को बढ़ा देती है। सेकेंड चेक यहाँ है सल्फेट बेस्ड कंपाउंड्स का। ये कंपाउंड हेयर के प्रोडक्ट में फॉर्म और लेदर को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है बट ये आपके हेयर पर जो नेचुरल हेयर ऑयल की कोटिंग होती है उसको रिमूव कर देते हैं और बालों को डैमेज कर देते हैं। थर्ड टेस्ट यहाँ है सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट। इसका यूज़ हेयर प्रोडक्ट की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है बट ये हेयर की ड्राइनेस को बढ़ा देता है और हेयर को लॉस कर देता है। फोर्थ टेस्ट है पेराबेन का। पेराबेन वैसे एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है, इसकी फ्रेग्रेंस भी हेयर प्रोडक्ट में काम आती है। पेराबेन भी सोडियम क्लोराइड की तरह हेयर को ड्राई करने का बहुत बड़ा रीज़न है जिससे हेयर लॉस होता है। फिफ्थ टेस्ट है प्राइपोलिन ग्लाइकोल। ये केमिकल हेयर प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी लाने के लिए यूज़ किया जाता है बट ये हमारे स्कैल्प पर रिएक्ट करके बाकी केमिकल को एब्जॉर्प्शन में इजी कर देता है जिससे हेयर रूट पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। सिक्स टेस्ट है DEA एंड TEA टेस्ट, जिसका मतलब है वो कंपाउंड जिसमें एथेनॉल एमाइन होता है। ये केमिकल हेयर प्रोडक्ट में एक फॉर्मिंग एजेंट की तरह वर्क करता है बट ये स्किन की इरिटेशन को बढ़ा देता है और स्कैल्प के लिए हार्मफुल भी होता है। गाइस सेवन टेस्ट है सिलिकॉन कंपाउंड का। ये केमिकल बालों में लस्टर एंड शाइन देने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है बट इससे आपके हेयर ग्रीसी एंड हैवी हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार हेड वॉश करना पड़ता है और हेयर की शाइन भी कम हो जाती है। वापस से वही शाइन पाने के लिए आप सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट के हैविजुअल हो जाते हैं बट इससे आपके हेयर बहुत ही ड्राई एंड वीक होने लगते हैं। तो चलिए गाइस अब हम यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करते हैं ममाअर्थ अनियन हेयर मास्क पर। यहाँ प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से पैकेजिंग की गई है। इसका प्राइस यहाँ 599 है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले ही फ्रंट पर लिखा है कि दिस प्रोडक्ट इज पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री। चलिए आगे देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। ये यहाँ इन्होंने फ्रेग्रेंस फ्री भी लिखा है। तो अब हम आगे स्क्रीनिंग टेस्ट पर जाते हैं।
आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इस प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। दैट मीन्स ये हमारे बालों के लिए सेफ्टी का स्क्रीन टेस्ट पास कर गया। चलिए अब देखते हैं कि इस मास्क को कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए इसका कंटेनर है, अब ओपन करते हैं। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। आप पहले हेयर की इक्वल पार्टीशन करें, इसे ड्राई या वेट दोनों तरह के हेयर में अप्लाई कर सकते हैं। मास्क को स्काल्प से लेकर बालों के एंड तक लगाएं, जैसे कि वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। मास्क लगाने के बाद आप हेयर को कॉम करें, जिससे मास्क बालों में इवनली स्प्रेड हो जाएगा। ध्यान रखें कि वाइट टूथ कॉम का ही यूज़ करें। अगर आप ऑल पर्पस कॉम का यूज़ करेंगे, आपका सारा मास्क कॉम में ही वेस्ट हो जाएगा। इस मास्क को एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट तक रखें। उसके बाद किसी भी हर्बल शैम्पू से आप हेयर वॉश कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे बाल कितने सिल्की एंड स्मूथ हो गए हैं, क्योंकि मैं इसे लास्ट 3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा हेयर फॉल भी काफ़ी कम हो गया है। सो गाइज, आई ट्रस्ट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।